हेलो जी, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है गायत्री और मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जी, आज की वीडियो पे मैं बताने वाली हूँ कि हम अपने फेस के फैट को कैसे कम करें फेस मसाज करके। ठीक है जी, फेस की मसाज करते हैं तो ना ही हमारे फेस पतला होता है, बल्कि जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है वो भी अच्छे से काम करता है फेस का, और साथ ही जो हमारी रिंकल्स प्रॉब्लम होती है वो भी जाती है, और हमारे स्किन पे एक नेचुरल ग्लो आता है। ठीक है जी, तो जो लोग हमें मुझे जानते हैं वो जानते हैं, थोड़े समय पहले तक मैंने भी काफ़ी सारा अपना वेट गेन किया हुआ था। तो ना ही मैंने अपना वेट कम किया है, बल्कि अपने फेस का फैट भी कम। तो अब ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ जी, फेस मसाज करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए ऑयल। यहाँ मैंने तीन टाइप के ऑयल ले रखे हैं। ये पैराशूट का कोकोनट ऑयल है, ये मेरे पास ऑलिव ऑयल है, ये मेरे पास बादाम रोगन शिरीन ऑयल है। ठीक है जी, आपके पास जो ऑयल अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप फेशियल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने लिया है बादाम रोगन शिरीन ऑयल, तो इसको सबसे पहले मैं अपने हाथ में ले लूँगी। अपने फेस और नेक पर लगा लूँगी। सबसे पहले मैंने ऑयल को अपने पूरे फेस और नेक पर लगा लिया है। अपनी फिंगर्स है उससे फिर अपने फेस को ऐसे टैप टैप करूंगी। ऐसा करने से हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो काफी अच्छे से काम करने लगेगा। को ये 10 से 20 बार करना है। के बाद मैं अपने हाथों को लूंगी और ऐसे ऊपर की तरफ पुश करूंगी। आपको ऐसा 30 टाइम्स करना है। जब भी आप फेशियल करें या फेस मसाज करें तो हाथों को ऊपर की तरफ पुश करें ऐसे। उसके बाद अपनी फिंगर्स लेनी है और ऐसे अपने आईब्रोज को पिंच करना है। इसको भी आप 30 टाइम्स कीजिए। अब हमें दो फिंगर्स लेनी है और ऐसे करके नीचे की तरफ जाना है। ऐसा करने से हमारी जो ये जॉ लाइन होती है वो काफ़ी शार्प बनती है, ये वाली। ये इसको भी 30 टाइम्स कीजिए, फिर ऐसे ही सेम दूसरी साइड भी करना है। इसको भी आप 30 टाइम्स कीजिए। उसके बाद अपने हाथों को लेना है फिर फोरहेड में ऐसे। अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और ऐसे करते हुए इससे काफी हद तक टेंशन भी रिलीफ होता है। उसके बाद दो फिंगर्स लेनी है और आंखों के पास से धीरे धीरे ऐसे करना है। बिल्कुल आंखों के पास नहीं जाना है, आंखों से थोड़ी दूर हल्के हाथों से उंगलियों को ऐसे ऐसे मसाज करनी है। इसको भी 30 टाइम्स करना है। उसके बाद जो आपकी नोज है अब उसको मसाज करेंगे ऐसे। हल्के हाथों से करना है बिल्कुल। अगर आपके नेल्स बड़े हो तो थोड़ा संभल कर करें कि आंखों के पास नेल्स ना लग जाए। इसको भी 30 टाइम्स करना है। उसके बाद अपने हाथों को ऊपर की तरफ ऐसे मसाज करना है। अपने चीक्स को ऊपर की ओर ले जाना है।
जिससे जो हमारे रिंकल्स होंगे वो काफी हद तक कम हो जाएंगे। सेम ऐसी प्रोसेस दूसरी तरफ भी करना है। इसको भी आप 30 टाइम्स कीजिए। उसके बाद हम नेक की मसाज करेंगे सेम ऊपर की तरफ। ऐसा करने से जो हमारी डबल चिन होएगी वो कम होगी, साथ ही जो हमारी जो लाइन होएगी वो काफी अच्छे से उभर कर दिखेगी। ठीक, अपने हाथों से पूरे फेस की मसाज करनी है, लेकिन अपने हाथों को ऐसे ऊपर की तरफ ले जाना है ऐसे। अगर हम अपने हाथों को रॉन्ग डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हमारी जो रिंकल्स की प्रॉब्लम है वो काफी हद तक बढ़ जाती है। उसके बाद हम यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करेंगे अपने हाथों को। ज्यादा जोर से नहीं करना है, हल्के हल्के हाथों से करना है। ले जाके ऐसे इसको भी आपको 30 टाइम्स करना है। उसके बाद अपने हाथों को ऊपर की तरफ मूव कीजिए। ऐसा करने से जो हमारी पफी आईज होती है वो काफी हद तक कम हो जाएगी। अपने हाथों को ऐसे ऊपर की तरफ को भी 30 टाइम्स कीजिए। जी तो अब सारी फेस की मसाज हो चुकी है, अब हम चलते हैं लास्ट स्टेप की तरफ। हाँ जी, तो लास्ट में हमें चाहिए एक बर्तन में मैंने गुनगुना पानी लिया है, ज़्यादा गर्म पानी नहीं लेना है, और एक मैंने ये टॉवल लिया है यहाँ पे, छोटा टॉवल। ठीक है जी, और इसको हमने इस पानी में भिगो देना है। पानी ध्यान रखिए कि गुनगुना सा हो, ज़्यादा गर्म पानी नहीं होना चाहिए। उसके बाद उसको मैं निचोड़ लूँगी। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने टॉवल को गीला कर लिया है गुनगुने पानी से, गीला टॉवल है ये गुनगुने पानी में। इसको अपने पूरे फेस पे ऐसे लगा लेना है। हल्के हल्के हाथों से टॉवल से अपने फेस को ऐसे क्लीन कर लेना है। आप चाहे तो पानी में भिगोकर 5 से 10 बारी फिर ऐसे अपने टॉवल से अपने फेस को क्लीन कर सकते हैं। जब आप रेगुलर इस मसाज को करेंगे तो आपको आपका फेस भी कम होगा, साथ ही आपके फेस पे एक ग्लो भी आप देखेंगे। तो जी आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी कर दीजिए, साथ में सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय।